और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था जो मैं आप लोगों को हाथ दिखाना भी जला चाहता लिया हूँ। था अपना। फिलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ इस का टैटू? टैटू की ओम का वजह टैटू से था। अच्छा। हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज एक वीडियो मिली है जो कि हमें इंस्टाग्राम पे मिली थी, और भी बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप वीडियोज नहीं बनाते। हम बोलते हैं कुछ वीडियोज हैं जो कि यार 1-1.5 घंटे की हैं, आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हो मुझे ना इंस्टाग्राम पे लिंक देके, वो वीडियो यार बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस भी आप लोग इतनी देर तक एक वीडियो को देख पाओगे और हम भी उसको बना पाएंगे क्योंकि इतने सारे कट होते हैं। 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटे हमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आप लोगों को पता ही है कट्स लगते हैं, अलग अलग ये सिस्टम रहता है। तो आप लोग प्लीज लंबी वीडियो ना सजेस्ट करें, छोटी थोड़ी 20-25 मिनट 30-40 मिनट तक तो लाजमी है, लेकिन उसके आगे की नहीं है। तो ऐसे इंस्टाग्राम हमारा रिएक्शन बाबा डॉट ऑफिशियल है, फेसबुक पेज भी है रिएक्शन बाबा का, आप लोग दोनों को फॉलो जरूर करें गाइस। आप बातचीत भी कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। वहीं से हमें एक वीडियो मिली, एक भाई उन्होंने लिंक दिया था तो मुझे लगा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। एक अब्दुल रहमान करके भाई हैं जिनका कि पहले नाम था रंजन कुमार, एक लड़का सा ही है, ज्यादा बड़े भी एज नहीं है उनकी। उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया यानी कि उसमें कन्वर्ट हुए हिंदू से मुस्लिम में। उसके बाद उनके जीवन में जो बदलाव आए, इतनी सारी सख्ती हुई उनके ऊपर और पूरा का पूरा जीवन बदल गया, उन्होंने पूरा वीडियो बनाया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और आप लोग अपने कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ पर भी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम, तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज से फारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ा, मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। अरे भाई। और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुल रहमान है। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में बताया गया था कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प की थी। राजन कुमार मीना नाम है। आइए आप सबको लेकर चलते हैं इस वक्त उस कहानी की ओर जहाँ से मेरा ईमान लाने का जरिया हुआ कि 2019 में रमजानुल मुबारक का महीना था और मैं एक कट्टर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं, कोई आरएसएस से, कोई सिंधी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं रोज़ा रखूं, और मैंने अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि हम रोज़ा रखने की आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा रखना भी है तो तू 3 दिन का रोज़ा रख ले, लेकिन हम पूरे 30 दिन नहीं रखने देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, जब मैं 3 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ तो 30 दिन का क्यों नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम तुझे 30 रोज़े नहीं रखने देंगे सिवाय 3 के। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। हालांकि उसी रमज़ान मुबारक के अंदर एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब दिन था, और वो दिन था 7वां रोज़ा। और जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरे दोस्तों अजीजों, मैंने इस तरह से रोज़ा रखा कि मैं सो कर रोज़े गुजार देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने रोज़ा रखा कब और इफ्तार का टाइम हुआ कब, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान के लिए चुन लिया, अपने दीन के लिए चुन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुसलमान हो गया, आज मैं एक ईमान वाला हो गया। उर्दू वर्ड भी चालू हो गया ना। उसका रीज़न ये था कि 7वां रमज़ान का जो रोज़ा था उस दिन मुझे दोपहर 2 बजे के टाइम एक ख्वाब आया, और ख्वाब में मैंने ये देखा कि या तो आज मैं मर जाऊँगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ नमाज के लिए, और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद गया
और मैंने मस्जिद के अंदर मौलाना से कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं नमाज अदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने मेरी उम्र देखकर मुझे कलमा पढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा आप 16 साल के हैं, आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके फैमिली वाले जो हैं कोई केस वगैरह दर्ज करवाएंगे तो उसमें हम सब जो है फंस सकते हैं। जिसकी वजह से वो कलमा पढ़ाने से मुझे इनकार कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन था, मुझे लग रहा था या तो आज मैं मर जाऊँगा या आज मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जाके मुझे कलमा पढ़ाया और मैंने जोहर की नमाज़ अदा की, और एक टाइम की नमाज़ में अदा किया करता था रोज़, एक टाइम ओनली फॉर जोहर, और फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइडे था और फ्राइडे के बारे में मुझे इल्म नहीं था, और मैं मस्जिद गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मुझे मस्जिद में जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना देने जाने के लिए कहा ड्यूटी पे, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मुझे नमाज़ की फ़िक्र थी कि मेरी नमाज़ ना छूट जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं लोगों के संग खड़ा होकर नमाज़ें अदा किया करता था। और मैं उनकी बात को इनकार करके मस्जिद चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज से फारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और उन लोगों ने मेरे से सवाल कर दिया। और रोज़े का महीना था रमज़ानुल मुबारक के, मैंने रोज़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़ा रख के अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मेरा मुसलमान होने का फ़ायदा ही क्या है, और मैंने झूठ बोलने बजाय उन्हें सच बता दिया कि हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ा, मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची कि 2 साल के लिए मुझे महाराष्ट्र आरएसएस के कैंप भेजना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ला इकराह फिद दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमा दिया इन्ना दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। हम तो ना जाने कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें तो दीन इस्लाम का कुछ इल्म ही नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हमें यही नहीं पता था कि इस दीन को दुनिया तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 124,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी और सहाबाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी। मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था। हमारी कुर्बानियाँ क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कुर्बानी के बारे में अगर हमें सोचना है तो हम देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको तपती हुई रेत पे लिटा दिया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तमाम बुतों को तोड़ने के बाद एक वक्त ऐसा है कि जब उनके वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि मेरे माबूदों को किसने तोड़ा, तो कहा मेरे को क्या पता, जो बड़ा वाला मूर्ति होगा उसे नहीं तोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा ये बोल नहीं सकता, ये चाल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, ये झुल नहीं सकता, तो ये तोड़ेगा कैसे? तो कहा जब ये कुछ कर नहीं सकता तो आप इसे मानते क्यों? और उन्हें ये सज़ा सुनाई गई कि वो 40 दिन आग के अंदर रहेंगे। अच्छा भाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए कि 40 दिन तक रहे लेकिन एक बाल तक ना जल सका। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों हमारी कुर्बानियाँ इन चीज़ों के आगे कुछ भी नहीं है। नबियों ने, सहाबाओं ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों अजीजों, कहने का मतलब ये है कि मेरे को बहुत तरह तरह से सताया गया, और मेरी कुर्बानी सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मुझे आरएसएस के चंद गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, और पुलिस वालों ने मुझे 2 साल के लिए महाराष्ट्र आरएसएस वाले के कैंप भेजने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह वादा है कि अगर तुम मेरी ओर 1 कदम चल के आओगे तो हम तुम्हारी ओर 10 कदम दौड़ते हुए जाएंगे। और मेरे दोस्तों अल्लाह ने मेरी हिफाजत की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से बच के निकल गया और मैं घर छोड़कर 2 साल के लिए मेवात भाग गया।
मेवात में रह के 2 साल या 1.5 साल वहाँ पे मैंने दीन सीखा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन को सीखने के बाद, समझने के बाद, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और इस्लाम की हकीकत को जाना और इस्लाम की हकीकत के बारे में पढ़ा और इस्लाम की हकीकत की स्टडी की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बना दिया है कि अगर मेरी जान भी चल जाए तो मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पुलिस के केस से बचाया, आरएसएस कैंप जाने से बचाया, और जो संगी गुंडे हैं उन सभी से बचाया। हालांकि वक्त ऐसा था कि कोई मेरे को पिस्तल दिखाता था, कोई बड़े बड़े चापड़ दिखाता था कि तुझे जान से मार दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे, लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र करता रहता था, और अगर अल्लाह का जिक्र नहीं आता मेरी ज़ुबान पे तो मैं कलमाए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करता रहता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इन तमाम परेशानियों से निकाला, तमाम परेशानियों से निजात दी। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले ही तकरीबन मेरे को 1 साल हो चुके हैं, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, और मैंने कोर्ट से अपने आप को वेरीफाई करवा लिया, कोर्ट जाके अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू करवाया और गजट नोटिफिकेशन कोर्ट के थ्रू मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीगली तरीके से मेरे को लीगल फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को कोई इस तरह से आप परेशान नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी के बाद मैं अल्लाह के रास्ते में निकला, और अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक खातून से मेरा निकाह हुआ, जिनके मम्मी और पापा नहीं हैं, अम्मी अबू नहीं हैं, और निकाह होने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था 18 साल में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि काम वाम सब बंद हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, रूम के रेंट तक का मेरे पास पैसे नहीं थे देने तक के। तो मैंने एक वीडियो बनाया और राह जन्नत चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी हेल्प भी की, वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बहुत जज़ाए खैर दे और आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, आप सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझ जैसे इंसान के भी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला हल करवाया आप लोगों के ज़रिए, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको एक के बदले इंशाल्लाह 10 देगा इंशाल्लाह। अब मेरी एक परेशानी और है, वो ये है कि मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है, क्योंकि जॉब मेरे को मिलती नहीं है, जहाँ भी जॉब के लिए जाओ मेरे वालिद साहब का नाम देखने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ पे मेरे वालिद साहब का नाम विजय कुमार मीना है, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बैटरी रिक्शा ले लूँ और चला चला के मैं अपने घर के जो अखराजात है उसे पूरा करता रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप सभी चाहेंगे तो इंशाल्लाह मेरी मदद हो जाएगी। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि जिस भाई से जो भी हो सके वो इंशाल्लाह मेरी हेल्प करे। तो गाइस आप लोग भाई की मदद जरूर करें यार, और अगर आप लोगों को इनकी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो मदद करें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये रहता है ना, क्योंकि हमारा तो हमेशा से ये मोटिव रहा है रिएक्शन बाबा का, हमारा भी, किसी के साथ जबरदस्ती मत करो कभी भी, चाहे वो खाना खाने को लेके ही हो, धर्म कन्वर्जन की तो बहुत बड़ी बात है। किसी का दिल किसी पे आ गया तो वो भाई वो उसका दिल, उसका मन, उसका ईमान, उसका सब कुछ, किसी को कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये भाई जो है, इनका नाम राजन कुमार मीना, जो कि इनकी फैमिली वाले ने कितना प्रेशर कर लिया इनके ऊपर है कि कन्वर्ट मत हो, और ये सब आरएसएस वाले भाई लोग जो अपना वो ज्वाइन करके रहते हैं उन्होंने कितना कन्वर्ट कर लिया, इवन पुलिस तक आ गई, लेकिन भाई को नहीं नहीं इंटरेस्ट था इसमें, उनको कन्वर्ट होना था उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि भाई उनको वो भाग गया, उनके दिल में आ गई चीज, उनको कुछ भी एक झलक रहती है ना, जैसे फर्स्ट साइड वाला लव जो रहता है, आ गया पसंद, उनको कुछ तो चीज अच्छी लगी होगी तो उन्होंने कबूल करा, यही सब रहता है। आपको जिस भी चीज में मजा आता है आपको वो करना चाहिए, एक जिंदगी आपका दिल आपका मन है, और वैसे भी इस चीज की तो यार
गवर्नमेंट ने भी छूट दे रखी है, कोई किसी पे जबरदस्ती करके करेगा तो वो गुनाह है, उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है, किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपका दिल है आप करें, नहीं आपका दिल, आप अपने जिस धर्म में आप उसमें भगवान को मानते हैं भगवान को मानो, अल्लाह को मानते हैं अल्लाह जी को मानो, जिसको भी मानते हैं आप उसको मानिए। होपफुली आपको वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला, आप लोग कमेंट करके बताएं भाई के विचार कैसे हैं, और जैसे भी करके आप लोग अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें यार, आपके आपके लिए अच्छी बात है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक लेते हैं कि सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।